अवैध खनन को लेकर जहां शिवराज सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के बेटे और आलोट भाजपा विधायक जितेंद्र गहलोत ने कहा कि आलोट में अवैध खनन बड़ी समस्या बनी हुई है। अब इनके बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले विपक्ष के साथ साथ भाजपा नेता भी अब पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करने में लगे हुए हैं। पार्टी नेताओं द्वारा लगातार अपनी ही सरकार को घेरा जा रहा है। नेता पार्टी सरकार की मंशा और सवार रहे हैं। इस बार केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के बेटे आलोट से भाजपा विधायक जितेंद्र गहलोत ने अवैध खनन को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने माफियाओं के प्रदेश में सक्रिय होने की बात भी कही है। साथ ही पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे को उठाने पर उनकी आवाज दबाने के आरोप भी लगाए हैं। जो आज 18 करोड़ की पुलिया बनाई है, वहां पे अवैध खनन हो रहा है। मैंने कलेक्टर से बात करी, एसडीएम से बात करी, पर हमारे भी समाज के अंदर राष्ट्र की संपत्ति को बचाने की हमारी जरूरत है और राष्ट्र को बचाना है। ऐसी धरोहर को जो अभी हमने नहीं बनाई है, यदि आसपास से यदि अवैध खनन करते हुए लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं समाज की, क्योंकि पुलिया अभी बनी है, 10 वर्षों से कहीं कुछ नहीं होगा, 50 वर्षों तक कुछ नहीं होगा, पर ऐसे अवैध खनन वाले जो आएंगे और वो उसी धरती पर खोदेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नींव कमजोर करते हुए उस पुल को धराशायी कर देंगे। दरअसल विधायक जितेंद्र गहलोत पत्रकारों के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 करोड़ की लागत से हमने एक पुल बनाया है, लेकिन अवैध रेत खनन करने वाले उसके पास खनन कर जमीन खोखली कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन भिंड सतना ग्वालियर क्षेत्र में जो पत्रकार अवैध खनन पर खबर लिखते हैं उन्हें रौंद दिया जाता है। अवैध खनन का मामला जब भी आता है कहीं ना कहीं किसी भी पत्रकारों को रोंदा भी जाता है, क्योंकि हमारे तक ये काम नहीं है। आपने देखा होगा रीवा, ग्वालियर, चीकी, सतना, सागर, जहाँ पर नर्मदा निकल रही है, और बड़े बड़े भू माफिया है, उन पर भी कार्रवाई होती है, पर कहीं ना कहीं हम भी अंकुश रूप में बैठ जाते हैं। पर मेरी एक आवाज है, पत्रकार की एक बुलंद आवाज है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सत्ता से दूर कांग्रेस अवैध खनन को लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा विधायक के बयान ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।